मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान एयरपोर्ट पर सीएम ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले वह ये बताएं कि उनकी पार्टी में कितनी स्वीकार्यता है। हमारा तो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से भाजपा बौखलाई हुई है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। 2023 को लेकर भाजपा की जशपुर में गढ़ वापसी को लेकर कहा कि इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना इनका काम है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो कैसे मारपीट कर रहे थे, ये सब दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, इसमें इनकी मास्टरी है। आज भाजपा छटपटा रही है, जो आज उनके पांव उखड़ गए हैं कैसे यहाँ फिर पैर पसारे ये देख रहे हैं। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना, भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे, और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में, तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, और ये इसी में मास्टरी है इनकी, और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके जो पांव उखड़ गए हैं कैसे यहां फिर से पैर पसारे, पांव पसारे, ये उनका ये है, और वो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और इस कारण से कहीं कहीं सब देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है।